स्टार्टअप और कौशल विकास के लिए रोटरी क्लब के द्वारा युवाओं को जागरूक किया गया। हम आपको बताएं कि रायबरेली में रोटरी क्लब के तत्वावधान में शहर के त्रिपुला स्थित न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को कौशल विकास के लिए जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के अल्पसंख्यक अधिकारी और उद्यम विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र गौतम ने कौशल विकास को और नए उद्यम लगाए जाने से संबंधित छात्र छात्राओं को विभिन्न भ्रांतियों से को दूर किया। इसके पूर्व रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव द्वारा सभी का स्वागत किया गया। इस मौके पर उद्योगपति अविचल खुबेले द्वारा नए उद्यम लगाए जाने संबंधित संपूर्ण जानकारियां युवाओं को प्रदान की गई। दोनों विषय विशेषज्ञों के द्वारा छात्र छात्राओं को बताया गया कि इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं। उद्योग विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र गौतम के द्वारा यह भी बताया गया कि 25-30% सब्सिडी पर उद्योग केंद्र के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के विषय में विस्तार से बताया। रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजू भार्गव ने रोटरी क्लब और रोटरी सेवा सदन के द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों में के बारे में विस्तार से बताया। न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल के प्रबंध निदेशक शशिकांत शर्मा ने रोटरी क्लब के द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समय समय पर स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप वार्ता से बच्चों में जागरूकता आएगी और वह अपना करियर स्वयं बना सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजेश शर्मा के द्वारा किया गया। पूर्व अध्यक्ष रहे राजेश शर्मा ने इसका संचालन किया और कार्यक्रम अधिकारी गणेश गुप्ता के द्वारा सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर रोटरी क्लब के सचिव संजय श्रीवास्तव और राकेश कक्कड़ प्रखर गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में रोटरी क्लब के द्वारा मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र गौतम और विद्यालय प्रबंधक शशिकांत शर्मा को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। SMN की डेस्क रिपोर्ट।